हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फिर आज हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि रिक्रूटमेंट निकला है साइट इंजीनियर के। नंबर ऑफ वैकेंसी है इसका 2 और जॉब लोकेशन इसका रहेगा झारखंड में। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट है। तो अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाई जो लगेगा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप बीटेक या आईटीआई की कंप्लीट किए हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ देख लेते हैं एज लिमिट के बाद, तो अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 to 30 ईयर्स तक आपका जो एज लिमिट रहेगा उसके अंदर जो भी लोग हैं और लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा 22,000 to 30,000 पर मंथ। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको जो कि फर्स्ट एक शॉर्ट लिस्टेड होगा, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो उसका एक शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्म आएगा। अगर उसके बाद आपको वहां पे आपका नाम आता है उसके बाद आपको इंटरव्यू में देना होगा। इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन डेट जो कि है 9 अगस्त 2018 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 23 अगस्त 2018 था। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका है ऑफलाइन मोड, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे में लिंक दे दूंगा इसका जो फॉर्म है, आप लोग वहां से जाके इसका जो फॉर्म है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो एड्रेस है जहां पे भेजना होगा आपका ये फॉर्म वो भी मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो कि है कुछ भी नहीं है, ऑल जो कि ऑल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एससी किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी पोस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये था नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया की रिसेंटली पोस्ट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। फ्रेंड्स, थैंक यू।